सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मैं 12th वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 11th वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में रेंडम वेरिएबल के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि रेंडम वेरिएबल टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको समझाया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है रेंडम वेरिएबल का, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन किया गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल। एक्स हम लोग कोई भी रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। अगर आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो पर जा सकते हैं जहां मैं रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया हूं। तो एक्स हम लोग मानते हैं एक रैंडम वेरिएबल है। तो द फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, किसी भी रियल नंबर x के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कैपिटल F, और कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, कैपिटल F ऑफ x, x यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि F ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, यानी कि उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी होगा जिसका वैल्यू स्मॉल एक्स से या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट, वैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा ओमेगा का, ताकि एक्स ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा ये, जहां पर स्मॉल एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा ये। सपोज कीजिए तीन क्वाइन को हम लोग एक साथ टॉस करते हैं, तीन क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या सिंपल स्पेस हो सकता है? सिंपल स्पेस हो सकता है तीनों टेल आ सकता है, या फिर फर्स्ट सेकेंड टेल थर्ड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड टेल हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर तीनों हेड हो सकता है। तो ये इतना इसका सिंपल स्पेस आ जाएगा। तीन क्वाइन को अगर एक साथ टॉस करें तो ये आठ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो वो सारा मैं लिख दिया हूँ। अब x एक रैंडम वेरिएबल मानते हैं, सपोज करते हैं x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड को, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है, जो भी इवेंट आ रहा है उसमें से जितना नंबर ऑफ हेड होगा उसकी संख्या को हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इसके लिए x कितना होगा, इसमें कितने हेड हैं, इसमें एक भी हेड नहीं है तो x का वैल्यू इसके लिए जीरो हो जाएगा। इसमें कितना हेड है, वन हेड है, तो इसके लिए एक्स का वैल्यू वन हो गया। इसमें भी वन हेड है, इसके लिए भी वन वैल्यू हो रहा है, इसमें भी वन हेड है तो इसके लिए भी वन वैल्यू आ रहा है। आप इस तीनों में देखिए दो दो हेड है, तो इस तीनों के लिए एक्स का वैल्यू टू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए इसमें हेड की संख्या जो है, ये तीनों हेड हो सकता है तो इसमें हेड की संख्या थ्री है, तो यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू थ्री हो जाएगा। इस इवेंट के लिए एक्स का जो वैल्यू है वो थ्री होगा। तो अगर तीन क्वाइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है जीरो हेड मिले, एक भी हेड नहीं, या वन हेड, या टू हेड, या थ्री हेड, तो एक्स का यही वैल्यू हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो ये हो गया एक रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया ये। अब हम लोग ऐसा करते हैं
कि सभी रैंडम वेरिएबल का प्रायोरिटी निकाल लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या बता रहा है कि जीरो हेड आने का क्या प्रायोरिटी है। तो जीरो हेड कब आएगा, जब ये वाला एलिमेंट अगर आता है, ये एलिमेंट्री इवेंट अगर आता है तो इसमें जीरो हेड हो गया, तो इसका आने का क्या प्रायोरिटी है, इसके फेवर में वन केस हो गया और टोटल कितना केसेज है, एट केसेज है, तो इसका प्रायोरिटी वन बाई एट हो गया। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू वन, तो वन आने का प्रायोरिटी, एक्स इक्वल टू वन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो वन हो, तो नंबर ऑफ हेड वन हो इसका प्रायोरिटी। तो नंबर ऑफ हेड वन कब होता है, जब देखिए ये टी टी एच या फिर ये आ जाए टी एच टी आ जाए या फिर एच टी टी आ जाए, तो इस तीनों में आप देखिए एक ही हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो इसका प्रायोरिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेज थ्री हो गया और टोटल केसेज एट है, तो इसका प्रायोरिटी थ्री बाई एट हो गया। इसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू टू का प्रायोरिटी अगर हम लोग निकालें, तो एक्स इक्वल टू टू मतलब नंबर ऑफ हेड टू, तो नंबर ऑफ हेड टू कब आ रहा है, टी एच एच में या एच टी एच में या फिर एच एच टी में, इस तीनों में आप देखिए कि नंबर ऑफ हेड जो है टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू, तो इसका भी प्रायोरिटी थ्री बाई एट हो गया। और पी एक्स इक्वल टू थ्री यानी कि तीन हेड होना चाहिए, तो तीन हेड कब हो रहा है, जब तीनों में हेड आ जाए तब, तो इसका प्रायोरिटी हो जाएगा फेवरेबल केसेज वन और टोटल केसेज एट है, तो वन बाई एट। तो ये निकल गया, प्रायोरिटी निकल गया। आप इसको एक टेबल बना करके भी लिख सकते हैं। इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल में एक्स का वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग उसका प्रायोरिटी लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू कैपिटल एक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो कैपिटल एक्स का क्या क्या वैल्यू है, जीरो है या वन है या टू है या फिर थ्री है। तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखे तो इसका प्रायोरिटी, जीरो का प्रायोरिटी वन बाई एट है और फिर इसका थ्री बाई एट है और इसका भी टू का भी प्रायोरिटी थ्री बाई एट है और थ्री का भी प्रायोरिटी वन बाई एट है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। जीरो का एफ फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे हैं, जीरो पर निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे डिफाइंड किए हुए हैं कि एक्स का प्रायोरिटी, सॉरी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो से तो छोटा नहीं है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो से तो छोटा हो नहीं सकता है, जीरो के सिर्फ इक्वल है। और जीरो पर फंक्शन का प्रायोरिटी कितना है, जीरो पर एक्स अगर इक्वल टू जीरो रखे तो क्या प्रायोरिटी है, देखिए वन बाई एट है। तो इस फंक्शन का वैल्यू जीरो पर वन बाई एट आ रहा है। अब अगर एफ वन निकाले तो एफ वन का वैल्यू क्या होगा, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे पी एक्स लेस देन इक्वल टू वन। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेस देन इक्वल टू एक वन, यानी एक्स का वैल्यू वन या वन से छोटा, तो वन या वन से छोटा में कौन कौन सा आएगा, जीरो भी आएगा और वन भी आएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा और एक्स इक्वल टू वन भी हो जाएगा। तो जीरो का क्या प्रायोरिटी है, जीरो का प्रायोरिटी वन बाई एट है और इसका क्या प्रायोरिटी है, वन का प्रायोरिटी थ्री बाई एट है। तो ये दोनों का सम आ जाएगा फोर बाई एट, यानी कि ये हो गया वन बाई टू। तो एफ वन का वैल्यू वन बाई टू आया। फिर हम लोग एफ टू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू। एक्स लेस देन इक्वल टू टू एक ऐसा इवेंट बता रहा है जिसका रेंडम वेरिएबल का वैल्यू टू या टू से छोटा हो, तो टू या टू से छोटा में कौन कौन सा आएगा, ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा, जो एक्स का वैल्यू है जीरो वन टू थ्री, बस यही चार वैल्यू एक्स का। तो टू से छोटा कौन कौन सा है, एक्स इक्वल टू जीरो, फिर एक्स इक्वल टू वन भी है और एक्स इक्वल टू टू भी है। तो ये हम लोग सभी का प्रायोरिटी ऐड कर देंगे, जीरो का भी, वन का भी, टू का भी, तो तीनों का प्रायोरिटी आप यहाँ पर ऐड करके लिखिएगा। तो थ्री बाई एट प्लस थ्री बाई एट सिक्स बाई एट प्लस वन बाई एट सेवन बाई एट आ जाएगा। इसी तरीके से
f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू होगा f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 में कौन कौन सा आएगा, x इक्वल टू 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 में यही चार वैल्यू आएगा, तो चारों के प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे तो आप चारों के प्रोबेबिलिटी को सम करके देख सकते हैं ये 1 आएगा। तो हम लोग 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर फंक्शन को डिफाइन किए। अब क्या यही चार पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, बल्कि हम लोग इनफाइनाइट रियल नंबर पर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी पर भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर 4 पर निकालना हो, f ऑफ 4 निकालना हो, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, f ऑफ 4 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 या 4 से कम आने का प्रोबेबिलिटी, तो 4 या 4 से कम मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 0 होगा, 0 से तो छोटा कोई भी प्रोबेबिलिटी है नहीं, और फिर x इक्वल टू 1 होगा, फिर x इक्वल टू 2 होगा, और फिर x इक्वल टू 3 होगा, और फिर x इक्वल टू 4 भी हो सकता है क्या? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ही है, 4 है ही नहीं, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पर नहीं होगा। चार हेड, जब तीन क्वाइन को टॉस करेंगे तो चार हेड नहीं हो सकता है, तो बस यही होगा। और ये सभी का प्रोबेबिलिटी को आप सम कीजिएगा, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, यानी कि ये सभी प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी F4 का भी वैल्यू 1 आएगा, F5 का भी वैल्यू 1 आएगा, आप F6 का भी वैल्यू निकालिएगा तो भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आप इधर जितना भी निकालिएगा सभी का फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरीके से जो फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, इस तरीके से जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, कि x हम लोग रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं और f एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किसी भी रियल नंबर के लिए, और वो ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसका रैंडम वेरिएबल जो है वो लेस देन इक्वल टू x है, और x हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इसी को कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको DF शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स तो लिखते ही हैं, साथ में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख देते हैं। ये कैपिटल एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, किस एक्स के लिए डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर अभी मैं लिखा हूँ कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। और रेंज, यानी कि फंक्शन का वैल्यू किस रेंज में आएगा, तो फंक्शन का वैल्यू आप देखिए, मैं अभी जो एग्जाम्पल बताया हूँ, फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जरा इसके बारे में समझिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जीरो कब होगा। मान लीजिए f ऑफ माइनस वन निकालते हैं, f ऑफ माइनस वन का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो बताइए, किसी भी क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो कैपिटल x बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, और नंबर ऑफ हेड्स माइनस वन या उससे छोटा हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो x का वैल्यू माइनस वन हो सकता है क्या, 0, 1, 2, 3 ही है, माइनस वन तो नहीं हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी इस इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, जीरो। इसी तरीके से आप f ऑफ माइनस टू निकालिए तो भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सभी रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, और जो फंक्शन का वैल्यू है या तो जीरो आ रहा है या जीरो से बड़ा है, आप देखिए जीरो से ये बड़ा है और वन से ज़्यादा नहीं है, जब भी ये फंक्शन का वैल्यू तो वन है या वन से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज जीरो टू वन, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो रेंज होगा वो जीरो और वन इंटरवल में ही होगा, ना तो वन से ज़्यादा होगा ना जीरो से कम होगा फंक्शन का वैल्यू, तो यही इसका रेंज हो गया।
अब जरा समझिए, अभी जो भी हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, वो हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं किसी इंटीजर पर। अगर मान लीजिए इंटीजर पर नहीं निकालना है, मान लीजिए एफ ऑफ 2.5 पर निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैसे रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी बताएगा जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.5 होगा। तो अब x लेस देन इक्वल टू 2.5 का मीनिंग क्या हुआ, कौन कौन सा x 2.5 से कम है? तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, उससे छोटा और कोई नहीं आएगा। 2.5 से छोटा लेना है, 3 अगर लेते हैं तो वो 2.5 से ज़्यादा हो गया। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/8 है, 1 का प्रोबेबिलिटी 3/8 है और 2 का प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 है। आप इस सभी को ऐड कीजिएगा तो 7/8 ही आएगा। तो ये f 2.5 इक्वल टू 7/8 हो गया। अब अगर हम लोग ये तो अभी किसी किसी पॉइंट पर निकाले हैं इस फंक्शन का वैल्यू, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ कि इस फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 0 होगा। कब 0 होगा, जब x लेस देन 0 रखते हैं, 0 से छोटा। जैसे -1 लिए हम लोग, -2 लिए, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या रहा है, 0। तो 0 से छोटा अगर x रखेंगे तो उस समय फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखिए, तो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रखना है। तो 0 से बड़ा रख, 0 या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1/8 है। आप देखिए यहाँ पर 0 पर 1/8 है। अगर हम लोग 0.5 का निकाले तो ये क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5। और 0.5 देखिए, 0 और 1 के बीच में हम लोग नंबर ले रहे हैं, तो 0.5 से छोटा कौन सा रेंडम वेरिएबल है, 0.5 से छोटा सिर्फ एक ही है, 0 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/8। तो 0 पर भी कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, या 0 से बड़ा भी ले रहे हैं तो 1/8 आ रहा है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं लेना, 1 के बराबर भी नहीं लेना है। तो 1 से छोटा रखेंगे या 0 रखेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा रखते हैं लेकिन 2 से छोटा रखेंगे, तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं 1/2 है, लेकिन 2 पर चेंज हो रहा है, 7/8 है, लेकिन हम लोग 2 नहीं रख रहे हैं, 2 से कम रख रहे हैं। तो सभी पर जैसे 2.5 भी रखें, तो सॉरी 2.5 तो ज़्यादा हो गया 2 से, तो 2 से अगर कम रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, f ऑफ 1.5 भी निकाल करके देख सकते हैं, 1.7 का भी निकाल करके देख सकते हैं, 1/1.9 का भी निकाल करके देख सकते हैं, 1/2 ही आएगा। और अगर x का वैल्यू हम लोग 2 या उससे बड़ा रखते हैं लेकिन 3 से छोटा रखते हैं, उस समय f फंक्शन का वैल्यू जो है वो 7/8 आएगा। और अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो 3 या 3 से बड़ा, 3 रखिए या 3 से बड़ा रखिए, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। देखिए 3 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा था, या 4 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 आया, या 5 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 आया। तो 3 या 3 से बड़ा अगर रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये जो फंक्शन हम लोग डिफाइंड किए इस तरीके से, तो यही हो गया इस एग्जाम्पल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड हो गया। 0 से छोटा किसी भी नेगेटिव पर अगर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो 0, इस इंटरवल में निकालेंगे तो 1/8, इस इंटरवल में निकालेंगे तो 1/2, इस इंटरवल में निकालेंगे तो 7/8। अगर x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो गया। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, जो अभी मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 0 से 1 तक ही है, यानी रेंज जो है वो 0 टू 1 ही आएगा। दूसरी चीज़, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हम लोग x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग ये बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर 0 से छोटा है, यहाँ 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में, या 2 3 के बीच में, या 3 या 3 से ज़्यादा है। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो अगर
x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर x लेस देन y रखेंगे तो उस समय फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एक्स या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है एफ वाई का, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके बारे में मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, उसको आप समझिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इफ एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स, एफ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है रेंडम वेरिएबल एक्स का, और ए लेस देन बी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टीज है, जरा इसको समझिए कैसे प्रूफ करते हैं कि द इवेंट्स ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आर डिसज्वाइंट। ये जो दो इवेंट हम लोग लिख रहे हैं ये दोनों डिसज्वाइंट है। कैसे डिसज्वाइंट है जरा समझिए। अभी जो मैं पिछला एग्जांपल बताया था उसमें एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3 था। अब हम लोग अगर ऐसा लिखें कि 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एक लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 2, हम लोग 2 और 3 के बीच में एक्स रख रहे हैं या फिर 3 के इक्वल रख रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 से छोटा रख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा एक्स आ जाएगा, इसमें एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 से बड़ा लेना है लेकिन 3 से छोटा या उसके इक्वल, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा 3। और इसमें कौन कौन सा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 2 या 2 से छोटा रखना है, तो 0 भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0, 1 और 2 भी आ जाएगा। तो क्या ये म्यूचुअली डिसज्वाइंट हुआ, जो यहाँ पर बता रहा है कि 0 हेड या 1 हेड या 2 हेड और इसमें बता रहा है 3 हेड, तो ये दोनों म्यूचुअली डिसज्वाइंट हो गया। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 हेड वाला है और इसमें 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड वाला इवेंट है, तो ये 3 हेड वाला इवेंट है और यहाँ पर 0, 1, 2 हेड वाला इवेंट है, तो दोनों तो म्यूचुअली डिसज्वाइंट हो गया। और दोनों का यूनियन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा सिंपल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि 0 हेड भी आ जाएगा, 1 हेड भी आ जाएगा, 2 हेड भी आ जाएगा और 3 हेड भी आ जाएगा। यही 3 हेड हो सकता था, तो 0 से लेकर के 3 हेड तक हो सकता था, तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3 कह सकते हैं हम लोग। तो x लेस देन इक्वल टू 3 में क्या हो गया, 0, 1, 2 और 3, तो ये पूरा आ जाता है। तो अगर इस दोनों का यूनियन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 3। तो वैसे ही अगर हम लोग लिखें a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b जिस तरीके से यहाँ लिखे थे, और इसमें अगर लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू a, तो ये दोनों म्यूचुअली डिसज्वाइंट है, और दोनों का अगर यूनियन कर देंगे तो x लेस देन इक्वल टू b ये वाला आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया था x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया था, तो वैसे यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू b आ जाएगा। तो वही यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि ये दोनों जो है वो डिसज्वाइंट है और यूनियन जो होगा वो x लेस देन इक्वल टू b के बराबर होगा। तो अब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाइए, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग कह सकते हैं a लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन इक्वल टू b और यूनियन x लेस देन इक्वल टू a, ये दोनों का यूनियन करने के बाद क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू b आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं हम लोग, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b यूनियन x लेस देन इक्वल टू a, और इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं x लेस देन इक्वल टू b। तो आप एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जान रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी दोनों में लग जाएगा, यूनियन है और ये दोनों म्यूचुअली डिसज्वाइंट है। तो आपको पता होगा p a यूनियन b बराबर हो जाता है p ऑफ a प्लस p ऑफ b, ये लेकिन कब होता है, जब दोनों म्यूचुअली डिसज्वाइंट हो। तो ये चूंकि म्यूचुअली डिसज्वाइंट है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये होगा p a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b प्लस p ऑफ x लेस देन इक्वल टू a और इज इक्वल टू p ऑफ x लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा। अब इसको आप उधर ले जाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको p ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, और डिफिनेशन में जो अभी बताया हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफिनेशन से इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बी और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए। तो यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो एक प्रॉपर्टीज ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जब भी फंक्शन का वैल्यू आएगा ये, तो ये 1
और जीरो के बीच में ही होगा, जीरो और वन। जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मैं अभी बता चुका हूँ रेंज जो होता है वो जीरो से वन। और साथ में ये भी है कि ये जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, यानी अगर एक्स लेस देन वाई रखें तो उस समय एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जो मैं एग्जाम्पल के साथ में समझा चुका हूँ। और तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, और इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू वन आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पर जीरो और इन्फिनिटी पर वन। तो फ्रेंड्स, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताऊंगा, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो अगर आप मेरे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप जितना मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, मैं उतना ही एनर्जी के साथ आपको वीडियो दे सकूंगा। मेरे इस चैनल में मैथमेटिक्स का इसी तरीके का वीडियो आता है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप जैसा डिमांड होगा उसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अभी मैं प्रोबेबिलिटी सीरीज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे कुछ दूसरे टॉपिक को उठाऊँगा और उसका वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।